दोस्तों जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो आपको वहाँ पर ई स्टेटमेंट या अकाउंट स्टेटमेंट लगता है, पूछा जाता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आप कैसे अपने कोटक बैंक से अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट या ई स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजैन, आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र में kotak.com सर्च करिए और यहाँ पर लॉगिन करिए। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करोगे कुछ आपको इस तरह का आपका यहाँ एक पेज खुलकर आ जाएगा, नेट बैंकिंग लॉगिन का पेज। देखिए यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और नेट बैंकिंग पासवर्ड डालकर यहाँ लॉगिन कर लीजिए। मैं अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालकर जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। बाद आप यहाँ लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये पेज खोलकर आ जाएगा। यहाँ से OTP मांगेगा या आपके जिस नंबर से आपने बैंक अकाउंट बनाया है उस नंबर पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर मैं OTP जल्दी से डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ मेरा नेट बैंकिंग खुल गई है कोटक बैंक की। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पैसे लिखे आ रहे हैं और भी कई चीज़ें लिखी आ रही हैं, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन लिखे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ऊपर मोर लिखा हुआ है, जहाँ आप यहाँ मोर पर जाइएगा। उसके बाद जैसे आप मोर पर जाओगे तो आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ जाइए स्टेटमेंट पर तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ आप अपना स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मंथली आपके ट्रांजेक्शन्स लिख कर आ गए। आपको जो स्टेटमेंट डाउनलोड करना है अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपने मंथ्स के हिसाब से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए PDF फाइल में एक डाउनलोड हो गया है, चलिए इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा अकाउंट स्टेटमेंट है पूरा, ये अकाउंट स्टेटमेंट मेरा आ गया है खुलकर, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि। उसके बाद मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखा देता हूँ कहाँ से आप दूसरी जगह से एक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप बैंकिंग पर जाइए। जैसे ही आप बैंकिंग पर जाओगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ आपको पूरा अकाउंट का ओवरव्यू यहाँ नज़र आएगा, आपको कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। यहाँ प्रिंट कर भी एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट के बारे में, ट्रांजेक्शन्स के बारे में। यहाँ जैसे मैं जाऊँगा वो सेविंग करंट अकाउंट पर, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि अकाउंट समरी व्यू डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट व्यू ई स्टेटमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे कि यहाँ आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, टाइम पीरियड दिया गया है। PDF CSV में फॉरवर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं सारे स्टेटमेंट। नीचे यहाँ जाएंगे आप, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिएगा, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करिए। देखिए कि यहाँ PDF डाउनलोड हो गई है, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ ये PDF। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी PDF डाउनलोड हो गई है। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैसे कि CSV का करंट फाइनेंशियल ईयर। आप यहाँ और भी आप कई सेटिंग्स कर सकते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, डे वाइज क्लॉक वाइज। ई स्टेटमेंट पर जाएंगे यहाँ आप पर, आप आसानी से अपना ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक बार फिर से करके दिखा दिया है। यहाँ PDF देख सकते हैं, पूरे अकाउंट ई स्टेटमेंट आ गया है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।